और सतगुरु सेवा और ये बंदगी भाई फेर मिलन की ना। मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार। जैसे तरवर से पत्ता टूट गया वो फेर नहीं लगता डार है। एक बार आपका शरीर समाप्त हो गया, आप उस शरीर में उसी स्थिति में उसी परिवार में पुनः नहीं सेट हो सकते। कहने का भाव ये है परमात्मा का कि तुम्हें ये याद रखना चाहिए कि ये संसार, ये परिवार और ये संपत्ति, ये कार आप जी की नहीं है। आप जी का उद्देश्य क्या था, मनुष्य जीवन किस लिए आप जी को प्राप्त हुआ, ये ज्ञान सत्संग से ही होता है। और सत्संग उसे कहते हैं जो सदग्रंथों के आधार से ज्ञान हो, जिसमें सदग्रंथों के आधार से ज्ञान सुनाया जा रहा हो। जो यथार्थ ज्ञान होता है उसे सत्संग कहते हैं। आप जी को सत्संग प्राप्त हुआ, सौभाग्य है आपका। ये समय बार बार उपलब्ध नहीं हुआ करते। युगों पीछे आप जी को ये मार्ग मिला है। परमात्मा कहते हैं राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण, कब हो तो दीन दयाल के, बनक पड़ेगी कान। परमेश्वर ने हमें हर प्रकार से समझाने की चेष्टा की है कि तुम भक्ति करते रहो, जो तुम्हारा कार्य है, तुम्हें साधना बताई है, वो करते रहो। और एक दिन वो भी आएगा परमात्मा, आपको बहुत से प्रमाण देगा, आपके बहुत से दुखों का निवारण करेगा और फिर सतलोक ले जाएगा। परमात्मा बताते हैं राम रटतना ढील करो, अर्दम नाम उचार, अमी महारस पीजिए ये तत् बारंबार। गरीब कोट गऊ जय दान दे, कोट यग जो नारे, कोट कूप तीर्थ खने, मिटे नहीं जम मारे। पहले तो मानुष जीवन प्राप्त करके ये प्राणी भक्ति ही नहीं करता, संसारिक क्रियाओं में, नाचने कूदने में, इन बकवादों में अपना जीवन व्यर्थ कर देता है। और कोई साधना करता है पुण्यात्मा, तो उनको दिशा ठीक ना मिलने से वो साधना करता हुआ भी अपना जीवन व्यर्थ कर रहा है। पवित्र श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा है कि अर्जुन, जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, मनमानी पूजाएं करते हैं, उनको न तो कोई सुख होता है, ना उनकी सिद्धि होती है, और न ही उनको कोई गति होती है, अर्थात यूजलेस। तो साधना जो गलत करते हैं उनके विषय में बताया जा रहा है। गरीब कोट गऊ जे दान दे, कोट यग जो नारे, कोट कूप तीर्थ खने, मिटे नहीं जम मारे। कोटिक तीर्थ व्रत करो, कोट गज करो दाने, और कोटि अश्व विपरो दिए, मिटे न खेचा तान। कोट गऊ जय दान दे, इन ऋषि महर्षियों ने, नकलियों ने गौ दान का बहुत महत्व बता रखा था। परमात्मा कहते हैं एक एक गौ के दान की तो बात छोड़,
करोड़ गौ दान दे और कोट ये धार्मिक भंडारे करे, यज्ञ कर दे और कोट करोड़ से ये कुएं बनवा दे और ये बाग बगीचे बनवा दे, मिटे नहीं खेचा ताने, मिटे नहीं जम मार, यम की जो मार है ये तुम्हारी समाप्त नहीं होगी, कर्म का दंड समाप्त नहीं होगा। कोटिक तीर्थ व्रत करो और कोटि गज कर दान, कोटि असव भी परो दिए, मिटे न खेचा ताने। सत साधना के बगैर, सत साधना के बिना ये अन्य पूजाएं, अन्य कितना ही दान धर्म आप करते हो, आपकी जन्म मृत्यु और 84 लाख योनियों की ये भ्रमणा भटकना नहीं मिट सकती। ऐसा निर्मल नाम है ये निर्मल करे शरीर, और ज्ञान मंडलीक है चकवे ज्ञान कबीर। कहते हैं और जो ज्ञान आप जी को प्राप्त है, कोई हवन यज्ञ ही करता है, कोई स्वाध्याय ही करता रहता है, जैसे एक गायत्री मंत्र बना रखा है यजुर्वेद अध्याय नंबर 36 के मंत्र नंबर 3 को, इसके आगे ओम नाम और लगा लिया जो कि नहीं लगाना चाहिए था, क्योंकि वेदों में परमात्मा की महिमा और परमात्मा के द्वारा ही वर्णित है, तो उस परमात्मा के लिखे हुए में परमात्मा के द्वारा दिए गए, हम ज्ञान में कोई अपनी तरफ से कोई तगड़मबाजी करते हैं तो हम उसको बिगाड़ रहे हैं, खराब करते हैं। दूसरे ये ओम नाम तो ब्रह्म का है, और ये भूर भव स्व तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देव से धीमहि धियो न प्रचोदयात्, ये महिमा पूर्ण परमात्मा की है, परम अक्षर ब्रह्म की है। अब जैसे कोई प्रधानमंत्री जी के सामने प्रधानमंत्री जी को एप्लीकेशन लिख रहा हो और उसमें लिख दे मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी के सामने मुख्यमंत्री लिख दिया तो सारी ये बात बिगड़गी। तो इस प्रकार इस ओम नाम को इस मंत्र के साथ नहीं लगाना चाहिए, और केवल इस मंत्र के जाप करते रहने से मोक्ष नहीं, क्योंकि ये ऐसे तो हजारों मंत्र हैं वेदों में प्रभु के जानकारी देते हैं, उसके विषय में ज्ञान कराते हैं, उन सभी मंत्रों में एक ही बात कही है कि पूर्ण परमात्मा है, वो सबसे पहले वही था और वही हमारा सब का उत्पत्ति करता है, वो परमात्मा हमें सद्बुद्धि दे, अपने चरणों में हमारा ध्यान लगाए रखे, हम भक्ति करते रहें, बुराइयों से बचें। और वेदों में प्रमाण दिया है, उसकी महिमा बताई है कि वो परमात्मा कैसी लीलाएं करता है, परमेश्वर की भक्ति से हमें लाभ क्या होता है, ये सारी जानकारी वेदों में मंत्रों के माध्यम से दी हुई है। अब उस सारी जानकारी को प्राप्त हो जाने के उपरांत भी हमें मोक्ष नहीं हो सकता जब तक हम वो साधना नहीं करेंगे, वो क्रियाएं नहीं करेंगे जो मोक्ष की है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी, इस बिजली की महिमा का ज्ञान है कि ये क्या क्या काम करती है, ये ट्यूब जला देती है, अंधेरे को रोशनी में बदल देती है, ये पंखा चलाती है, एसी चलाती है, कूलर चलाती है, पानी निकालती है, दूध रिड़क देती है, दूध बिलोती है, फैक्ट्रियां चला देती है, ये तो है जानकारी इस बिजली की। और इस जानकारी का कोई श्लोक बना ले, कोई कविता बना ले और उस कविता को डेली गा ले, रोज पढ़ ले, उसे लाभ क्या होगा? केवल इतना लाभ होगा कि हमें ये ज्ञान होगा कि बिजली में गुण क्या है, वो क्या काम करती है। जब तक हम बिजली का कनेक्शन नहीं लेंगे तो बिजली लाभ दे को नहीं, तो वो बिजली का कनेक्शन
उस महिमा से अलग प्रोसीजर है, अलग से एक तरीका है। उस प्रोसीजर को अपना करके हम फिर बिजली का कनेक्शन लेना चाहिए, और कनेक्शन मिलने के बाद जो गुण हम बिजली के रोज पढ़ा करते सुनिया करते वो गुण हमें मिलने लगे। ऐसे ही वेदों में, गीता जी में, पुराणों में परमात्मा की महिमा बताई गई है, और उनको रोज पढ़ते रहने से केवल इतना लाभ होगा कि हमें प्रभु के गुणों का ज्ञान रहेगा कि परमात्मा ये करता है, परमात्मा ये करता है, अंधे को आंख देता है, कोढ़ी को काया देता है, रोगी को स्वस्थ बनाता है, निर्धन को धन दे देता है और मोक्ष करता है, जन्म मृत्यु से रहित करता है। तो ये गुण है भगवान के, इनको एक बार पढ़ो चाहे दो बार पढ़ो चाहे सौ बार पढ़ो, अच्छी बात है भगवान के गुणों का जानकारी बनी रहे। लेकिन उसका प्रोसीजर नहीं अपनाया कि कैसे वो मोक्ष करेगा, कैसे हमारे रोग नाश करेगा, कैसे हमारे पाप कर्मों का नाश करेगा। वो तरीका अलग है, पूर्ण संत की खोज करें। पूर्ण संत वही होगा जो तीन मंत्र का नाम जाप देगा, ओम तत् सत, ओम तत् सत। ये सांकेतिक मंत्र है, ओम तत् सत ये ऐसे नहीं जाप होता। ओम ब्रह्म का जाप है ये तो सीधा बिल्कुल ठीक है, लेकिन तत् और सत ये गुप्त मंत्र हैं, ये कोड वर्ड हैं, सांकेतिक हैं, वो मंत्र अन्य है। इन तीनों मंत्रों के जाप से पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति होगी। और जो पहला मंत्र आपको दिया जाता प्रथम बार, वो हमारा यहाँ से काल के लोक से ऋण उतरेगा, और फिर हम जब तक इस संसार में रहेंगे संसारिक सुख सुविधाएँ, आध्यात्मिक ये भौतिक सुख सुविधाएँ हमें इन्हीं प्रथम मंत्र से मिलती रहेंगी। और दूसरा और तीसरा वो सारनाम ये हमें मोक्ष प्राप्ति कराओगा। तो क्या बताते हैं, तो वो तीनों नाम प्राप्त करके परम संत से फिर वो भक्ति करने से मोक्ष होगा। प्रभु के जो गुण हम सुनते थे वो रोज प्राप्त हो गए आपको। गरीब ऐसा निर्मल नाम है निर्मल करे शरीर, और ज्ञान मंडलीक है चकवे ज्ञान कबीर। ऐसा निर्मल नाम है और निर्मल करे शरीर, और ज्ञान मंडलीक है और चकवे ज्ञान कबीर। एक ऐसा मंत्र है, ऐसा नाम है जो हमारे पाप कर्मों को समाप्त करके हमारे शरीर को, आत्मा को, सूक्ष्म शरीर को निर्मल कर देता है। अन्य ज्ञान जो आज तक आप सुना करते थे, वेदों का, गीता जी का, कुरान और पुराण का, ये एक मंडलीक है। मंडलीक माने अक्षेत्रीय ज्ञान है, ये कुछ सीमित ज्ञान है। और चकवे ज्ञान कबीर, चक्रवर्ती, ऑलराउंड ज्ञान जो है वो परमेश्वर कबीर जी द्वारा दिया गया अध्यात्म ज्ञान है। ऐसा निर्मल नाम है ये निर्मल करे शरीर, और ज्ञान मंडलीक है, मंडलीक डिविजनल, और चकवे ज्ञान कबीर। कबीर परमेश्वर जी द्वारा दिया गया वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, कबीर वाणी में जो ज्ञान है वो चक्रवर्ती ज्ञान है, ऑलराउंड ज्ञान है, और ऑल ज्ञान है। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि जो 25 से लेकर 31 तक साधनाओं का जो वर्णन किया गया है, इससे भी और अन्य साधनाएं विशेष विस्तार के साथ सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, ब्रह्मणे मुखे सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कही गई है। और उनको तू कर्मों से यानी काम करते करते, हठ योग नहीं, अपनी क्रियाओं से करने से वो सफल होती हैं, संपन्न होती हैं, और फिर
फिर वो तो सभी